हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एमडी कैफ और हमारे प्यारे देश भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और इन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक जनता को अंधेरे में रखा और अपने बारे में बहुत सारे सीक्रेट हाइड रखे, क्योंकि हर राजनीतिक लोग कुछ ना कुछ अपना सीक्रेट हाइड रखते हैं। अब हो सकता है मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो बात किसी को कड़वी लगे, पर सच हमेशा कड़वा ही होता है। और अब दोस्तों, इनके सच का पर्दा उठाया जा चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कोई पत्नी नहीं है, पर अगर मैं कहूँ कि इनकी पत्नी है और उन दोनों की शादी भी हुई है। जी हाँ दोस्तों, पत्नी का नाम है जसोदा बेन और इनके बचपन का नाम है चीमन लाल मोदी। वो एक शिक्षिका थी और इनकी शादी 1968 ईयर में हुआ था और इनका जन्म 1952 में और मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ था। और जबकि इनका विवाह हुआ था तब जसोदा 15 साल की थी और मोदी जी 17 साल के थे। और इनका विवाह वडनगर में पारंपरिक तरीके से करवाई गई है। ये गांव जो है वो 2800 साल पुराना है। फिर मोदी जी ने शादी के 3 साल बाद अपनी पत्नी जसोदा बेन को छोड़ दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी जसोदा बेन को आखिर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी शादी करना ही नहीं चाहते थे। दरअसल नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी, जो कि पहले चाय बेचते थे, और माता हीराबेन मोदी, ये हाउसवाइफ थी, उन्होंने दबाव में आकर अपने बेटे नरेंद्र मोदी की शादी करा दी। और मोदी जी ने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करके 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर दिया और अपना पूरा जीवन देश की सेवा करने में समर्पित कर दिया और राजनीति में कदम रख दिया। नरेंद्र मोदी जी की शादी के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और देश के पहले प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक शासन किए। और ये सबसे ज़्यादा शासन करने वाले प्रधानमंत्री थे, जो कि 16 साल तक शासन किए और फिर 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। और शुरू से लेकर अब तक, यानी कि 1947 से लेकर 2024 तक 16 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, जिसमें से 16वें प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। जब 2004 में चुना हुआ तो जीते मनमोहन सिंह, फिर 2009 में चुना हुआ तो जीते मनमोहन सिंह, और फिर 2014 में चुना हुआ तो जीते श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और फिर 2019 में चुना हुआ तो जीते नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और अब नरेंद्र मोदी जी 2024 में 73 साल के हो चुके हैं। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि 2024 में चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी उम्र 73 साल से ऊपर हो गई है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के लिए कोई कला सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो हो सकता है कि इस बार भी 2024 में चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ें। और अभी बात करें इनकी सैलरी की, तो इनकी सैलरी है 1,66,000 प्रति माह, यानी कि एक महीने में 1,66,000 रुपये। दिन में प्रधानमंत्री 10 करोड़ रुपये खर्चा कर देते हैं। और इनकी हाइट की बात करें तो इनकी हाइट है 5 फुट 7 इंच और 77 किलो के हैं ये, इनके वजन है 77 किलो। और मोदी जी की सुरक्षा SPG कमांडो करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। और अब हम बात करते हैं कि 2014 से पहले भारत कैसा था और अब 2024 में भारत कैसा हो चुका है, यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत कैसा था और अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत कैसा हो चुका है, यानी कि पहले के भारत से अब के भारत का कंपैरिजन करने वाले हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का सफर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कैसा रहा है, इसको लेकर अक्सर सवाल और वाद विवाद होते रहे हैं। साल 2014 से लेकर साल 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आम जनता का क्या सोच है, इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा अपने पक्ष में दावे भी होते रहे हैं। हालांकि वैश्विक आर्थिक संस्थानों के आंकड़े और अनुमान देखे जाए तो भारत की स्थिति साल 2014 के मुकाबले काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। साल 2014 से लेकर मौजूदा साल 2024 तक का देश आर्थिक सफर ऐसा रहा है कि कोविड के संकट काल से जूझती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर,
बीच में भारत की हालात भी काफ़ी डगमगाई नज़र आ रही थी। हालांकि कोविड के संकट काल से बाहर आकर भारतीय इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और ये वास्तव में बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें तो साल 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी और आज जब आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देखें तो अमृतकाल के दौर में प्रवेश कर चुकी है। हम ग्लोबल इकोनॉमिक में 5वें स्थान पर आ गए हैं। भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है और ये केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की बेहद बड़ी सफलता है। जब 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वैश्विक GDP में भारत का हिस्सा 2.6% रहा था और जब आज इसे देखें तो ये बढ़कर 3.5% पर आ चुका है। आज़ादी के 75वें साल में ये आंकड़ा देश का हौसला बढ़ाने का काम करता है। वैश्विक इकोनॉमिक में भारत का स्थान 5वां और हमारे आगे 4 देश और हैं। इनमें अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के नाम आते हैं। दुनिया का सबसे धनवान देश अमेरिका है और इसकी GDP 25.035 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर पर है। दूसरे स्थान पर है चीन, जिसका GDP का साइज 18.321 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर है। और इसके बाद जापान का नाम आता है, जिसका GDP साइज 4.301 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर है। और जर्मनी की GDP 4.031 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर पर आ गई है। भारत की GDP का साइज आज बढ़कर 3.469 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर पर आ गया है। और अगर भारत का इकोनॉमी का 2014 से 2024 तक का सफर देखा जाए तो साल 2014 में भारत की GDP कुल आकार की बात की जाए तो ये 2.04 लाख करोड़ अमेरिका डॉलर पर थी, जो आज बढ़कर 3.46 लाख अमेरिका डॉलर पर आ गई है। साल 2014 में भारत का कुल GDP साइज 20,39,127 लाख USA डॉलर पर था, जो आज बढ़कर 3.469 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर पर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2014 के मुकाबले 2024 काफ़ी बेहतर हो चुका है। और कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय देना।